हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी से स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक न्यू रिलीज ऑडियो बुक का रिव्यू जो है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस ऑडियो बुक की, इसकी मैंने अपडेट आप लोग के साथ पहले भी शेयर की थी। और ये जो ऑडियो बुक है ये एक रीबर्थ वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें क्या है जाने के तो आप लोगों को पूरी वीडियो पॉइंट तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को चीज़ें जो है वो समझ में आएगी। फिलहाल मैं आप लोग के साथ इसके डेट जो है वो शेयर कर देती हूँ। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर जो है आप लोग स्टोरी को पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, क्योंकि इसकी नॉवल भी अवेलेबल है, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को इसका नाम बताती हूँ। तो जो स्टोरी है उसका नाम है लव आफ्टर रीबर्थ। इसकी जो ऑडियो बुक में रेटिंग है वो 4.5, इसकी जो नॉवल में रेटिंग है वो 4.3, ठीक है। अब बात की जाए इसकी ऑथर की, तो उनका नाम है जीसो, और इसकी जो वॉइस आर्टिस्ट है उनका नाम है सिनेमेटिक वेव्स, ठीक है। इसके एपिसोड्स आए हैं जो ऑडियो बुक में वो है 81। और बात की जाए इसकी नॉवल में, तो नॉवल में इसके जो चैप्टर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो है 242, ठीक है। और बात की जाए मेन कैरेक्टर्स की, तो वो है आर्या सिन्हा और साथ में डॉक्टर शिवाय महेश्वरी, ठीक है। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कहानी कैसी है। तो पिछले जन्म में उसके अपनों ने ही आर्मी ऑफिसर आर्या सिन्हा को धोखा देकर उसे मौत के घाट उतार दिया था, पर अब वो लौट आई हैं एक नए जन्म को लेकर और उन सबसे बदला लेने के लिए। पर क्या इस बार भी वो अपनी लड़ाई में अपने बेटे की जान बचा पाएंगी? क्या उनका पति डॉक्टर शिवाय महेश्वरी उसका साथ देगा? क्या इस जन्म में उसका रिश्ता फाइनली प्यार के मुकाम तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा। जब रीबर्थ हुआ है हमें सारी चीज़ें पता है, बस हाँ कुछ चीज़ों को जो चेंज हो रही है, लेकिन एटलीस्ट हमें उस कैरेक्टर के बारे में तो पता है ना, उस पर्सन के बारे में तो पता है कि वो पर्सन ऐसा है। तो उस हिसाब से हम स्टेप्स जो है वो अपने नेक्स्ट वो हम सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो बिल्कुल यहाँ पर वो अपने पति के साथ साथ अपने बच्चे की भी जान बचा लेती हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आप लोग को, या फिर कह लो ऑडियो बुक में, आप जब आप लोग सुनोगे तो आप लोग को फील होगा हाँ थोड़ा बुरा लगता है कि ऐसा हुआ। और तो और वो एक आर्मी ऑफिसर है, लाइक कहते हैं उनका माइंड जो है वो काफ़ी शार्प होता है और उन्हें लोगों को मतलब हर तरीके की चीज़ें लाइक उन्होंने फेस की होती हैं, तो उनको सारी चीज़ें पता होती हैं। लेकिन फिर भी इनके घर वालों ने इनको बेवकूफ़ बना कैसे दिया, ठीक है। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब मैं इसको मतलब पढ़ रही थी, मैंने इसको रीड किया था, सुना भी था थोड़ा सा, लेकिन मैंने पढ़ा ज़्यादा है इसको, तो उस टाइम पे मैं यही सोच रही थी कि यार अच्छा ऐसे भी हो सकता है। मतलब इसमें सबसे डिफरेंट चीज़ तो यही है, देखो फील्स, ठीक है। मतलब आप लोगों ने मोस्टली देखा है या तो सीईओ की चुलबुली सी वाइफ होती है, उनका रीबर्थ होता है, या फिर हस्बैंड जो है वो ख़राब होते हैं, मतलब डेविल होते हैं, लेकिन फिर भी शायद उनके पास दिमाग नहीं होता इतना ज़्यादा कि उनके घर वाले उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमने देखी, लाइक सीईओ वगैरह और क्यूट स्वीट वाली चीज़ें, उनमें ही रिवेंज वाला और ये रीबर्थ वाला मोस्टली देखा हमने। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर आप लोगों को हमारे हीरो जो है वो एक डॉक्टर फील्ड वाले देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोफेशन है, नहीं। आप लोगों को पता है कि अलग अलग जगह जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो चीज़ें तो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगी, ठीक है। पर उन सब चीज़ों से अलग हमारी हीरोइन जो है वो एक आर्मी ऑफिसर जैसा कि बताया गया है। तो क्या चीज़ें हुई, क्यों उनको जो है वो इतना टॉर्चर किया गया, फिर उसके बाद जब उनकी इतनी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है, फिर उसके बाद जब वो रीबर्थ लेती है तो वो किस तरीके से सेटल डाउन करती हैं, क्योंकि इनके और इनके हस्बैंड के बीच बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत दूरियाँ हैं, धीरे धीरे उनको घटाने में टाइम भी लगेगा। दूसरी चीज़ ये कि अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, एक्स वाई जेड जो भी रीजंस है, ठीक है। क्योंकि मैं प्रॉपर अगर इसको खोल कर रख दूँगी, सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता दूँगी, तो मेरे बताने से मतलब आप लोगों को कोई फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब बेसिकली बात यह है कि हर चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगी, तो आप लोग जाके सुनोगे या फिर पढ़ोगे क्यों, है ना। जैसा कि अदर रिवर्स वाली स्टोरीज़ होती है ना, बिल्कुल वैसा ही है। मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, कि हाँ वो 4-5 साल पीछे या फिर कुछ टाइम पीछे वो जो है वो चली गई। ये चीज़ जो होती है ना, ये क्लियर कट होती है, जो कि मुझे समझ में बहुत ईजीली आ जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लोग को शरीर किसी और का, आत्मा किसी और की, फिर बदला भी किसी और का, तो नहीं। यहाँ पर खुद का बदला, खुद को भी प्रोटेक्ट भी करना है, साथ साथ अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना है, उसके साथ साथ आप लोगों को उनको भी एक फैमिली वाली फील दिलानी है, उनको फील कराना है कि हाँ आप जो है उनको प्यार करती हो, जैसे इनके बच्चे को दोनों माँ बाप का प्यार चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अपनी कुछ ईगो को साइड रख के दूसरे के साथ भी एडजस्ट करना। हाँ हमारे हीरो जो है वो काफ़ी पावरफुल दिखाए जाते हैं, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ, और बहुत अच्छा, मतलब ये कह लो कि इसमें आप लोगों को ना एक्शन, मिस्ट्री, थ्रिल, ये सब की तो कोई कमी नहीं है। रॉयल लाइफ स्टाइल भी अच्छा खासा आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जैसा देखते हैं वो किस तरीके से धीरे धीरे उनसे रिवेंज लेती हैं, हाँ रिवेंज में बहुत मज़ा आता है, जैसे जैसे आप लोग देखोगे कि किस किस तरीके से वो एक एक पर्सन से बदला लेती हैं। और स्टार्ट में ही आप लोगों को ये कह लो कि ये प्लानिंग, प्लॉटिंग एंड ऑल बहुत अच्छे तरीके से ना मतलब देखने को मिल जाती है। तो अगर आप लोग को इस तरीके की स्टोरी जो पसंद है ना, मिस्ट्री, रिवेंज, थ्रिल, सस्पेंस, एक्शन और रोमांस, वो डेफिनेटली आगे चल के तड़का तो लगेगा ही रोमांस का, उसके बिना तो क्या ही मज़ा है ना।
मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है, आपका मुझे नहीं पता, बट चलो ठीक है, फिर भी जो भी है मोस्टली चीज़ें यही हैं। इनसे ज़्यादा तो मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ, कुछ डिफरेंट मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल अदर कोई है, जैसे रिबर्थ है तो कुछ बहुत अलग देखने को मिला हो, नहीं वही है जो हम यूजुअली देखते हैं स्टोरीज़ में। तो अब इच्छा आप लोगों की है कि अगर आप लोगों को इस तरीके की स्टोरीज़ को सुनना पसंद है या पढ़ना पसंद है तो डेफिनेटली जाके पढ़ और सुन सकते हैं। हाँ, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन स्टार्ट में जैसे कि आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा दिखाया जाता है कि हाँ टॉर्चर वगैरह है नॉन, तो अगर आप लोग इमोशनल हैं तो उस टाइम पर थोड़ा सा खुद को कंट्रोल कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें हैं और मोस्टली आप लोग को सीरियस चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने कॉमेडी एंटरटेनमेंट इतना ज़्यादा नहीं कहा। लेकिन हाँ, आगे चल के मे भी डेफिनेटली हो सकता है जब एक हैप्पी फैमिली आप लोगों को देखने को मिलती है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छी हैप्पी मूवमेंट्स और फैमिली मूवमेंट्स तो डेफिनेटली होते ही हैं, तो बहुत कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन बस एक चीज़ यही है कि इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं, हालांकि बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को सीखने समझने को भी, लेकिन वो टोटली अप टू यू कि आप लोग नेगेटिव में लेके जाते हो पॉजिटिव में लेके जाते हो। देखेंगे दोनों तरफ से आप लोग को देखने को मिलेगा कि हाँ ये अपनी जगह भी ठीक है, ये भी अपनी जगह ठीक है, तो बट कुछ चीज़ें सिचुएशन में भी आपके फेवर में नहीं होती हैं, इस वजह से चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाती हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा, लेकिन देखते हैं कैसे दोनों आपस में सॉर्ट आउट करते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। बट कहानी काफ़ी अच्छी है, डेफिनेटली जाके पढ़िएगा, मैं तो सबको रेकमेंड कर रही हूँ और सबसे पूछ भी रही हूँ, अगर आप लोगों ने सुनी है या पढ़ी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये स्टोरी जो है वो कैसी लगी। बट मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को पसंद ही आई होगी, तो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना आप लोगों का सबसे फेवरेट चीज़ क्या लगी इस वाली ऑडियो बुक या फिर नॉवल में। बाकी हाँ, आगे भी मैं इसको पढ़ूंगी, अभी तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है इसको, लेकिन हाँ आगे भी मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, लेकिन देखते हैं कब कर पाती हूँ, क्योंकि एक पे मैं ज़्यादा टाइम तक फोकस नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो ये कि अभी आप लोगों के साथ में एक लेटेस्ट टॉप 3 रोमांटिक स्टोरीज़ वाला एक और पार्ट 2 जो है वो शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को जानना है कि मुझे अब कौन सी स्टोरीज जो नेक्स्ट सेगमेंट में कौन सी पसंद है, मतलब जो टॉप पर फर्स्ट मैंने वीडियो शेयर की थी वो तो थी, लेकिन अब नेक्स्ट कौन सी है, तो उसको जानने के लिए तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो अब आने वाली है अपकमिंग उसको ज़रूर देखना, डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगी ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ। बट फिर भी अपने ओपिनियंस कमेंट में शेयर कर देना। ये तो था, मैंने थोड़ा सा उसके बारे में आप लोगों को बता दिया, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है जो भी चीज़ें हैं, बट सपोर्ट करना आप लोग सारी चीज़ों को, मेरे वीडियो को, मुझे, और कुछ कमी हो तो बता देना, और आप लोग भी मुझे बताना इस स्टोरी के बारे में कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, और अगर आपको चाहते हैं आप इस वेब स्टोरी नॉल बुके फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।